नमस्कार, जय माता दी। मित्रों, ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, इस परिवार का हिस्सा बने। एक बात याद रखें मित्रों, परमात्मा ने आपको चुना है, तभी आज ये संदेश आपको प्राप्त हो रहा है। क्योंकि आज जो बात बताने जा रही हूँ, यह आपके भीतर का एक सत्य है जिसे आपका जानना बहुत ही अधिक आवश्यक है। जब भी मनुष्य इस धरती पर जन्म लेता है, वह अकेला नहीं होता है। कुछ लोगों का मानना है कि पिछले जन्म का कर्म हमारे साथ होता है, और कुछ लोगों का कहना है कि हम इस जन्म में जो कर्म करते हैं उसका संपूर्ण फल इस जन्म में भोग कर ही, आगे पीछे का सारा निपटारा करके ही बाहर जाते हैं। इस जन्म से कुछ भी बाकी बकाया नहीं रह जाता। अब कौन सत्य कह रहा है और कौन सी बातें मिथ्या है, इस पर फिर कभी चर्चा होगी। परंतु एक बात मानकर चलना है कि हम जिस क्षण इस धरती पर जन्म लेते हैं, कदम रखते हैं, हमारे भीतर की आत्मा के साथ एक शक्ति कार्य करना प्रारंभ कर देती है। वह शक्ति अच्छी भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है, बुरी और बहुत ज़्यादा बुरी भी हो सकती है, और कभी कभी सामान्य तौर पर हमारे साथ ऊर्जा बनकर एक शक्ति कार्य करती है। तो आज का मेरा टॉपिक है, ध्यान से देखिए, थंबनेल पर भी लिखा है मैंने कि कभी कभी कुछ लोगों को गलत सपने आते हैं, गंदे सपने आते हैं। गंदे से अर्थ बहुत तरह के गंदे से हैं। कुछ लोगों को अजीब अजीब किस्म के सपने आते हैं जिसकी कैटेगरी ही गंदी होती है। कुछ लोगों को संभोग के दृश्य दिखाई देते हैं अक्सर स्वप्न में। इसके भी दो कारण हैं। यदि आप बार बार इस तरह के दृश्य को सोचते हैं, सोते वक्त सोचते हैं, या जब आप आराम से शांति से बैठे हुए तब भी आप इस दृश्य को सोचते हैं, तब जब आप निद्रा की अवस्था में जाते हैं तो ऐसे स्वप्न आपको आते हैं। और कुछ लोग इस विचार से बिल्कुल दूर है, बिल्कुल वो कभी भी कोई गलत बात, कोई इस तरह की बातें नहीं सोचते, फिर भी जब वह सोते हैं तब ऐसे दृश्य उनको दिखाई देते हैं। तीसरी बात, आपको कोई बीमारी नहीं है, आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं, आपको पता चलता है आपको कोई बीमारी है ही नहीं, परंतु आपके शरीर का पोर पोर दर्द होता है। पैर की उंगली के ज्वाइंट से लेकर सर दर्द तक कभी जाता ही नहीं, बदन के हर हिस्से में आपको दर्द होता है। कभी कभी आप पहाड़ जैसे व्यक्ति हैं, ना चुनौतियों से डरते हैं, ना किसी भूत से डरते हैं, ना ही कोई बहुत बड़े जंगली जानवर से आप डरते हैं, परंतु भीतर ही भीतर एक डर सताता है आपको। आपको ऐसा लगता है जैसे कि मुझे घबराहट हो रही है, मुझे कुछ हो जाएगा, मेरे परिवार में किसी को कुछ हो जाएगा। डर का एक माहौल घिरा रहता है आपके चारों ओर। ये सारे स्वप्न क्यों आते हैं, ऐसा अनुभव क्यों होता है आपके साथ, कौन सी शक्ति आपके साथ कार्य कर रही है, यह जानने के लिए इस वीडियो को पूर्ण रूप से सुने, ध्यान से सुने। क्या आपके साथ भी ये सब हो रहा है? आध्यात्मिक जगत में आज आप कदम रखे हैं, तभी आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। आज आप ध्यान से सुनिए कि कौन सी शक्ति आपके साथ कार्य कर रही है जिसके संकेत ये सारी बातें हैं। तब आपको भी समझ में आएगा, आपको आगे के समय में जीवन में जितने दिन आपके शेष रह गए हैं, आपको कैसे कार्य करने हैं कि ये सारी चीज़ों का निपटारा आप यहीं करके जाएं, कुछ भी बकाया ना जाए। कौन सी शक्ति हर क्षण आपका साथ है और किसे आपको अपने जीवन से दूर करना है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, ज्योतिष ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, ध्यान से सुनिए, यदि आपको हमेशा उग्र रूप नज़र आता है, सपने में खुद को भी क्रोधित आप देखते हैं और किसी अन्य को भी आप देखते हैं, तो वो गुस्से में नज़र आता है, वो आप पर क्रोध कर रहा होता है, आप घबरा जाते हैं सामने वाले के क्रोध से, या तो कभी कभी आप सामने वाले पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, अपने बल का प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, अपनी ताकत से सामने वाले को दबा रहे हैं, और इसी बीच आपकी आँख खुल जाती है। और यदि बार बार, सिर्फ एक बार होने से नहीं, बार बार कंटिन्यूसली आप इस तरह के बल और क्रोध को देखते हैं, तब आप ध्यान से समझ लें कि आप पर या तो माँ काली की शक्ति कार्य कर रही है, या तो हनुमान जी की शक्ति कार्य कर रही है। अब यहाँ पर दो बातें हैं, यदि हनुमान जी की शक्ति आपके साथ कार्य कर रही है तो आप बल का प्रयोग बहुत ज़्यादा देखेंगे, क्रोध देखेंगे कम देखेंगे, ज़्यादा ज़्यादा बल का प्रयोग। आपने अपनी ताकत के बल पर कुछ ले लिया, आपने किसी से कुछ छीन लिया, आपने हिम्मत दिखाई,
आपके सामने शेर आ गया, आप डरे नहीं। इस तरह के स्वप्न बल प्रदर्शन का स्वप्न होता है, तब निश्चित ही हनुमान जी की शक्ति आपके साथ कार्य कर रही है। आपको उन्हें इष्ट बनाना होगा, उन्हें जपना होगा, उनकी पूजा करनी होगी। अब यदि आपको क्रोध के सपने के साथ साथ आपने उसमें ब्लड भी देखा, किसी के हाथ कट जा रहे हैं, आपने किसी का हाथ काट दिया, किसी ने आप पर वार किया और खून की मात्रा निकल रही हो, आपको बहुत तेज गुस्सा आया, आपने बल का प्रयोग बल पे किया, यदि इस तरह के यानी बल के साथ क्रोध जब मिक्स हो जाता है, तब 100% माँ काली की शक्ति या माँ दुर्गा की शक्ति आपके साथ कार्य कर रही है। आपको माँ को पूजना होगा और उनकी शक्ति को अपने जीवन से और अधिक आकर्षित करना होगा, क्योंकि स्वप्न में यह शक्तियाँ ही बता रही है कि यह शक्ति आपके शरीर के साथ कार्य कर रही है। और जो शक्ति आपके साथ कार्य कर रही है, यदि आप उन्हें ही पूजने लगते हैं, उन्हें और आकर्षित करते हैं, तब उसका बल भी आपको प्राप्त होने लगता है। अब आप ध्यान से सुनिए, यदि आप ज़्यादा करके महिलाओं को सपने में देखती हैं या देखते हैं, कन्याओं को देखते हैं, बहुत सारी लड़कियों को देखते हैं, कॉलेज का सीन देखते हैं, किसी गर्ल्स स्कूल का ज़्यादा दृश्य देखते हैं, बहुत सारी लड़कियां मेहंदी लगा रही है, श्रृंगार कर रही है, औरतों का कोई समूह है जो औरतों से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा महिलाओं से संबंधित स्वप्न देखने का अर्थ है माँ दुर्गा की शक्ति आपके साथ कार्य कर रही है, माँ लक्ष्मी की शक्ति आपके साथ कार्य कर रही है, लेकिन सौम्य रूप में। उसमें किसी के साथ झगड़ा नहीं हो रहा है, आप हमेशा औरतों को हंसते चहचहाते देख रहे हैं, आप ऑफिस भी जा रहे हैं, वहाँ बहुत सारी औरतें हैं। यदि मस्तिष्क में स्वप्न में हमेशा नारी दिखाई दे, कन्याएं दिखाई दें, तो ये माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा के सौम्य रूप का सूचक है। आपको किसी भी माता की पूजा करनी है, उन्हें भेंट अर्पण करना है, और एक बात मानकर चलनी है कि माँ की शक्ति आपके साथ कार्य कर रही है, वह भी सौम्य रूप में, झगड़ालू या विकराल रूप में नहीं। अब यदि आपके बदन के पोर पोर में दर्द रहता है, आपको गुस्सा आता है और आप स्वप्न में गलत सपने देखते हैं, गंदे सपने देखते हैं, संभोग का दृश्य देखते हैं, तब आपको यह बात जान लेनी चाहिए कि आपको वैदिक साधना नहीं करनी है, आपको तंत्र साधना करनी है। यानी वैदिक साधना जो सात्विक होती है, सुबह में 8 बजते आपको पूजा पाठ कर लेनी है, लेकिन तंत्र साधना संध्या के बाद होगी और तांत्रिक क्रियाओं से होगी। तो यदि बार बार संभोग के दृश्य देखना, गलत चीज़ें देखना जो बिल्कुल मानवता के भी विरुद्ध है, जिन चीज़ों से आप बचना चाहते हैं, यदि ऐसे स्वप्न बार बार आपके मस्तिष्क में आ रहा है, ऐसे दृश्य आपको दिखाई देते हैं सोने के बाद, यानी कि तंत्र साधना आपके साथ कार्य कर रही है और वही आपको बल देगी, वही जीवन में अपार सफलता देगी, आपको करोड़पति भी बनाएगी, हर सुख सुविधा देगी, लेकिन आपको तंत्र साधना करनी होगी, तंत्र साधना सीखनी होगी। वैदिक साधना से आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो जब शरीर में दर्द सताए, गलत बातें मस्तिष्क में बार बार आए, यानी कि तंत्र साधना से आपको इसको, इस पर विजय हासिल करनी है, इस पर कंट्रोल करना है आपको। ये संध्या के बाद होती है और सीख कर करें। तो इस तरह स्वप्न बताते हैं कि आपके साथ इस कौन सी महाशक्ति कार्य कर रही है। आप चुनाव कर सकते हैं और फिर इसी शक्ति को आप अपना हथियार बना सकते हैं, जिससे आप विश्व विजेता बन सकते हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक बातों के लिए जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना अनुभव भी मेरे साथ अवश्य साझा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।